सो व्हाट्स अप गाइस, तो यार आज की इस वीडियो में हम सरवाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट एज अ एलिमेंटल स्टीव। और बस मेरा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक मैन एम यही होने वाला है यार, मुझे मारना होगा ब्लड डेमन किंग को। यार तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एंड या लेट्स बिगिन। तो यार डे वन को मैं स्पॉन होता हूँ एक अंडरग्राउंड बेस में, और वो भी एज अ ब्लडी हीरो ब्राइन। और यार जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तब मैं देखता हूँ यार हमारे पूरे के पूरे अंडरग्राउंड विलेज पर अटैक कर दिया है ब्लड क्रीपर, ब्लड गोलम और ब्लड मॉब्स ने। और यार वो लोग कंटिन्यू हमारे विलेज के विलेजर्स को मार रहे हैं। और यार जब मैं उन लोगों से बातें करता हूँ तो यार तब वो लोग मुझे बताते हैं कि यार वो लोग ब्लड डेमन किंग के लिए काम कर रहे हैं, और यार उसी के कहने पर वो लोग इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यार देखो, मैं था एक ब्लड हीरो ब्रांड, और यार मेरे पास पहले से थोड़ी बहुत पावर्स थी, और इसीलिए यार मैंने अपनी पावर्स का यूज किया और यार मैं जल्दी से उस विलेज से भाग गया। पर यार जाते जाते वो लोग मुझे ये बता देते हैं कि यार हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम लोग तुम्हें भी मार देंगे। और यार देखो डे टू को आखिरकार मैं अपने विलेज से भाग जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। और यार जैसे ही मैं ओवरवर्ल्ड में आता हूँ यार मुझे अपने सामने दिखाई पड़ता है एक ब्लड बायोम, और तब मुझे पता चल जाता है कि यार जो वो ब्लड डेमन किंग है वो यार पूरे के पूरे वर्ल्ड को ब्लडी बनाना चाहता है, और यार उसे रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पर यार पता नहीं कैसे जैसे ही यार मैं उस ब्लड बायोम वाले विलेज चले जाता हूँ, पर यार अचानक से मेरी पावर बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाती है, और यार मैं ना तबाही मचाना शुरू कर लेता हूँ। और यार देखो, मुझे अपने वर्ल्ड के चारों ओर बहुत से अलग अलग बायोम्स और बहुत से अजीब अजीब से स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। और यार जहां तक मुझे लगता है कि यार देखो, अगर उन ब्लड मॉब्स का काम पूरा हो गया तो मुझे पूरा यकीन है ब्लड डेमन किंग हमारे वर्ल्ड में आ जाएगा और इसे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो यार इसीलिए डे थ्री से मैंने तैयारी कर ली थी ब्लड डेमन किंग को मारने के लिए। और इसके लिए यार मैंने पहले तो माइनक्राफ्ट के कुछ बेसिक टूल्स बनाए। पर यार देखो, मैंने पहले तो कुछ लकड़ियों को निकाला और उसके बाद मैंने उनसे अपने लिए थोड़े बहुत टूल्स बना दिए। और उसके बाद यार मुझे सामने ही कुछ शीप्स मिली और यार मैं ना उन्हें मारने लग गया, क्योंकि देखो मुझे रात को सोना था और इसलिए यार मैंने ना अपने लिए बेड बना दिया था। और यार उसके बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे घूमने के बाद यार मुझे एक और अंडरग्राउंड बेस मिल चुका था। और अब मैंने फैसला कर दिया था कि यार जब तक मैं पावरफुल नहीं बन जाता तब तक यार मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। मैं सोया ही था कि यार इतने में मुझे बाहर से किसी की आवाज आने लगी। और यार जब मैंने बाहर जाकर देखा और यार तब मुझे दिखा एक डॉग जो कि काफी ज्यादा भूखा था। और यार देखो, मेरे पास बहुत सी बोन्स थी और इसलिए यार मैंने अपने कुत्ते भाई को टेम कर दिया। और यार देखो, अब से कुत्ता भाई भी हमारे साथ ही रहने वाला है। यार डे फाइव को मैं अपने कुत्ते भाई के लिए थोड़ी बहुत बोन्स कलेक्ट करने के लिए गया ही था कि यार इतने में रात हो गई थी। और यार जब मैं वापस आ ही रहा था कि यार इतने में मुझे अपने सामने दिखाई पड़े ब्लड ज़ॉम्बीज। और जब मैंने उनसे बातें की कि यार तब उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और यार उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार देखो, मैं ना उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेपन्स की वजह से ही मार सकता हूँ। और यार देखते ही देखते उन सभी ब्लडी मॉब्स ने हमारे पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर यार देखो, मैंने जल्दी से अपने कुत्ते भाई को अपने अंडरग्राउंड बेस में ले गया और यार वहीं पर मैंने उसे रख लिया, क्योंकि यार मैं ये नहीं चाहता था कि यार वो लोग मेरे कुत्ते भाई को मार दे। और यार उसके बाद मैं निकल पड़ा था ब्लड वेपन्स की तलाश में। और यार देखो, मुझे ब्लड वेपन की तलाश करनी थी और इसके लिए मैं हर जगह घूमने लगा। और यार मेरे रास्ते में ना बहुत से खतरनाक मॉब्स भी आए हैं, और उसी के साथ साथ यार मुझे मिले ब्लड क्रीपर्स। और यार उन्होंने मुझे नहीं पता कि मेरी हेल्प क्यों की, पर यार उन लोगों ने मुझे ये बताया कि यार मुझे ना ब्लड वेपन्स के बारे में बताएगी एक विच, और यार वो विच एंड सिटी में रहती है। और यार मैं सोचने लगा कि आखिरकार ओवर वर्ल्ड में एंड सिटी आ कैसे सकती है। पर उसके बाद यार मैं बहुत दिनों तक भटकता रहा और आखिरकार मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि यार देखो हमारे ओवर वर्ल्ड में ही आ चुकी थी एक एंड सिटी यार। और यार देखो, मुझे नहीं पता कि यार आखिरकार ये एंड सिटी हमारे ओवरवर्ल्ड में कर क्या रही है। पर यार उसके बाद मैं डरते डरते आ चुका था विच के पास, और यार वहां पर मुझे विच मिली और यार उसने ना मुझे ब्लड आइटम्स के बारे में बताया। और पहले तो यार उसने मुझे एक बुक दी जिसमें कि ब्लड आइटम्स की रेसिपी लिखी थी। और उसके बाद यार उसने मुझे बताया कि यार तुम्हें ना पहले करना पड़ेगा कंप्लीट अपना आयरन का आर्मर, और उसके बाद हमें लाना होगा ब्लड एसेंस,
ब्लड एसेंस जो कि तुम्हें यार एक स्पिरिट बॉस के पास से मिलेगा और उसके बाद ही यार तुम अपने लिए ब्लड आइटम्स बना सकते हो। जैसे ही विच ने ये सारी बातें की और यार उसके बाद मैं निकल चुका था डे 8 से डे 10 तक माइनिंग के लिए। और इस बीच यार मैंने ना बहुत से आयरन के टूल्स को कलेक्ट किया और आर्मर्स को भी, पर यार अभी भी हमारा ब्लड आर्मर बनके तैयार नहीं हुआ था और इसीलिए यार मैं भटकने लगा और ज्यादा आयरन के टूल्स के लिए और यार उसके बाद ब्लड एसेंस के लिए। यार मैं ना ब्लड एसेंस को ढूंढ रहा था यार, आखिरकार इतने में मैं भटकते भटकते पहुंच चुका था एक ग्रेव के पास जो कि अंडरग्राउंड थी। और उसके बाद यार मैंने वहां पर बहुत से मॉब्स को निपटाया और उसके बाद मैं फिर से निकल चुका था ब्लड एसेंस की तलाश में। और जब मैं आगे आगे बढ़ते गया और तब ना मुझे ब्लड एसेंस की लोकेशन मिल चुकी थी यार। और यार उसके बाद मेरा सामना हुआ स्केल्टन किंग से जो कि हमें ब्लड एसेंस देने वाला था। और यार लिटरली वो स्केल्टन किंग काफी ज्यादा खतरनाक था, पर आखिरकार यार मैंने उसे अपनी लाइटनिंग की हेल्प से मार ही दिया और आखिरकार यार हमें मिल चुका था ब्लड एसेंस और एक ऐसा ताज, लिटरली यार एक ऐसा ताज जिसकी हेल्प से यार देखो जो भी स्केल्टन मेरे पास हो गए यार वो लोग ना मेरे लिए काम करेंगे। और यार उसी दौरान यार मेरे सामने थी एक लामा जो कि यार मुझे नहीं पता काफी ज्यादा तकलीफ में थी और इसलिए यार मैंने ना उसकी तकलीफ दूर कर दी, उसे मार के। और यार देखो डे 16 से डे 20 तक और यार आखिरकार मैंने अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लिया था, चाहे वो आयरन का आर्मर हो या फिर आयरन के टूल्स। और यार उसी के साथ साथ हमें मिल चुका था यार अपना ब्लड एसेंस। और उसके बाद यार मैं गया विच के पास और तब मैंने विच को अपना सभी का सभी सामान दे दिया और अचानक से उसने पता नहीं क्या मैजिक किया और यार मेरा आर्मर कन्वर्ट हो चुका था ब्लड आर्मर में और यार अब मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और यार उसके बाद जाते जाते विच ने मुझे ये भी बता दिया था कि यार अगर तुम ब्लड मॉब्स को मारना चाहते हो तो यार उसके लिए मुझे चाहिए होंगे ब्लड वेपन्स, पर अगर यार मुझे ब्लड वेपन्स क्राफ्ट करने हैं तो उसके लिए मुझे ढूंढ कर लाना होगा ब्लड क्रिस्टल। और उसके बाद मैं निकल चुका था ब्लड क्रिस्टल की तलाश में और आखिरकार हमारी ब्लड क्रिस्टल की तलाश खत्म हो चुकी थी और यार मुझे ना ब्लड क्रिस्टल भी मिल चुका था। और यार डे 30 को अचानक से पता नहीं यार मैं कहां था यार, देखो मुझे ना ब्लड क्रिस्टल मिल चुका था जो कि मुझे नहीं पता यार क्यों, पर एक अंडे के पास था। और देखो वहीं पर मुझे मिले कुछ गो टाइप के लोग। क्या तुम्हें गो नहीं पता यार? ये था ना, हाँ यही। और यार मुझे नहीं पता यार ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर यार देखो जैसे ही मैं उस अंडे के पास गया यार मुझे मिल चुका था अपना एक ब्लड क्रिस्टल। और यार पता नहीं मेरे दिमाग में उस वक्त क्या आया यार, देखो मैंने वो अंडा भी तोड़ दिया और यार पता नहीं कैसे उस अंडे के अंदर से निकल चुका था एक इग्वाना किंग जो कि लिटरली यार काफी ज्यादा खतरनाक बॉस है। और इसीलिए मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। भाई साहब बहुत गंदा पेलते इसके बच्चे यार, ग्रुप में रह के पेलते हैं लोग। और यार डे 31 से 40 तक यार मैं गया विच के घर और जब मैंने उसे बताया कि यार मेरे पास ब्लड क्रिस्टल आ चुका है तर उसने मुझे कहा कि यार मुझे ना थोड़ी बहुत स्टिक्स भी चाहिए। तर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत पेड़ काटे जिसकी हेल्प से की यार मुझे मिल चुकी थोड़ी बहुत स्टिक्स। और यार उसके बाद मैंने उस विच को अपना ब्लड क्रिस्टल दे दिया था और उसके बाद अपने आयरन के टूल्स और भी कुछ चीजें। और यार आखिरकार डे 45 को विच का जादू काम कर गया और यार फाइनली हमारे पास आ चुकी थी एक ब्लड स्वॉर्ड जो कि लिटरली काफी ज्यादा ओवर पावरफुल थी। और यार देखो अब तो यार मैं किसी भी ब्लड मॉब को मार सकता हूँ, पर देखो अगर मुझे अभी भी ब्लड डीमन किंग को मारना है तो मुझे ना चाहिए होगा ब्लड टोटम। तर उस दिन के बाद से यार मैं निकल चुका था ब्लड टोटम की तलाश में ताकि मैं खत्म कर पाऊँ यार ब्लड डीमन किंग को। और यार डे 50 को मैं केव में था यार, जहाँ पर यार मुझे ना बहुत सारे डायमंड्स मिले हैं जो कि काफी ज्यादा मस्त थे। और उसके बाद यार डे 51 से डे 60 तक यार मैं ऐसे ही घूमता रहा और आखिरकार मुझे अपने घर के पास ही मिल चुका था एक ब्लड ट्री। और यार अगर तुम्हें नहीं पता कि यार ब्लड ट्री क्या कमाल की चीज है यार, मैं तुम्हें बताता हूँ यार। देखो अगर तुम्हारे पास ब्लड ट्री होगा तो यार तुम ना उसकी लकड़ियों की हेल्प से यार बना सकते हो एक ब्लड बो जो कि क्या लिटरली काफी ज्यादा ओपी होता है। तो यार मैंने जल्दी से उस ब्लड ट्री की लकड़ियों को काटा और पता नहीं यार अचानक से वहां पर आ चुके थे बहुत से मॉब्स यार जो कि काफी ज्यादा अजीब से थे। और फाइनली यार आखिर में जाकर हमारा ब्लड बो और एरो बनकर एकदम तैयार हो चुका था। डे 60 से डे 65 तक यार मैं निकल चुका था जर्नी पर ब्लड टोटम को ढूंढने के लिए। पर यार देखो मैं इतने दिनों तक लिटरली इतने दिनों तक भटकता रहा
और यार फिर भी देखो मुझे ना ब्लड टोटम मिला ही नहीं। और यार देखो भटकते भटकते मैं जा पहुंचा था अपनी स्केल्डन की आर्मी के साथ वुडलैंड मैंशन में। और यार जहां तक मुझे लगता है यार देखो ब्लड टोटम हमें यहीं पर मिलने वाला है। और यार जब मैं उस मैंशन पर अटैक करने वाला था यार इतने में हमारे सामने प्रकट हो चुका था एक पूरे का पूरा डार्क बायोम जहां से कि बहुत सी अजीब अजीब सी रोने की आवाजें आ रही थी। पर यार देखो हम लोगों ने उसको इग्नोर किया और यार उसके बाद हम लोग जा पहुंचे उस मैंशन के अंदर। और यार उस मैंशन में हमने मारे बहुत से पिलेजर्स इलेजर्स और यार जो भी जादूगर हमारे पास आ रहे थे। एंड फाइनली यार देखो हमें मिल चुका था अपना ब्लड टोटम। और यार उसके बाद हमने उस मैंशन के शीशे तोड़े और बाहर निकल गए। पर यार देखो दिक्कत वाली बात ये थी यार देखो जो हमारा ये ब्लड टोटम है यार यार ये ना अभी तक एक्टिवेट था नहीं। तो यार इसीलिए मैं जा पहुंचा विच के पास और उसने मुझे बताया कि अगर तुम इस टोटम को एक्टिवेट करना चाहते हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा डार्क डायमेंशन में। और यार जाते जाते विच ने मुझे दे दिया था डार्क पोर्टल की फ्लिंट एंड स्टील। तो मैं भागते भागते जा पहुंचा उस डार्क पोर्टल की तलाश में। और मुझे कुछ भी लिटरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो डार्क पोर्टल है तो है कहाँ। और अचानक से डे 95 को यार मैं पहुंच चुका था उस घर के पास जहां पर कि हमारा ब्लड ट्री उत्पन्न हुआ था। और जब यार मैंने अपने सामने ब्लड ट्री को देखा तब मुझे समझ आ चुका था भाई देखो यहाँ पर ना यार कुछ तो एक अजीब सी चीज है यार जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। तो यार इसीलिए मैंने फैसला किया कि यार चलो क्यों ना हम इसके अंदर चलते हैं। और जब यार मैं उसके अंदर गया तब मैंने देखा कि यार वहां पर ना लिटरली एक पोर्टल था जो कि यार सीधा डार्क डायमेंशन को जाता है। और यार जब मैं डार्क डायमेंशन में पहुंचा यार लिटरली वो काफी ज्यादा स्केरी चीज थी। और पता नहीं कैसे यार मुझे ना बहुत ही ओपी वाला डैमेज पड़ रहा था। और यार जब मैंने अपने ऊपर देखा तब मुझे दिखाई पड़ा एक फ्लोटिंग कैसल। और उसके बाद मुझे ये भी पता चल चुका था कि यार हो ना हो यहीं पर हमारा ब्लड डीमन किंग होने वाला है। तो उसके बाद मेरे पास फ्लाइंग की पावर्स भी आ चुकी थी और उसके बाद मैं उड़ता चले गया। और उसके बाद आखिरकार मुझे मिल चुका था डार्क डीमन किंग। और जब मैंने उसे देखा तब वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही भाई हीरो ब्राइन था।